हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व पढ़ रहे थे और प्रोटोजोआ के लाभदायक और हानिकारक महत्व हमने देख लिए थे। आज नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटोजोआ में परजीविता। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि परजीविता होती क्या है। ठीक है, जब एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीवों पर भोजन व आश्रय के लिए निर्भर रहते हैं तो इस प्रकार के संबंध को परजीविता कहा जाता है। जब एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीवों पर भोजन व आश्रय के लिए निर्भर रहते हैं तो इस प्रकार का जो उनमें संबंध पाया जाता है उन्हें ही परजीविता के नाम से जानते हैं। अब देखो, इसमें दो प्राणी भाग ले रहे हैं, एक तो है आश्रय देने वाला और एक है आश्रय लेने वाला। ठीक है, तो एक तो है आश्रय देने वाला, ठीक है, और दूसरा होता है आश्रय लेने वाला। देखिए, आश्रय देने वाला कौन सा होगा, यानी वह जाति का जीव जिसके ऊपर दूसरे जीव रह रहे हैं, जिसके ऊपर दूसरे जीव रहते हैं वो क्या कहलाएंगे, आश्रय देने वाला। और जो जीव दूसरे जीव पर रहते हैं तो दूसरे जीव पर रहने वाले जो जीव हैं वो होंगे आश्रय लेने वाला। जो आश्रय देने वाला जीव होता है उसे बोलते हैं परपोषी। आश्रय देने वाले जो जीव होते हैं उनको परपोषी कहा जाता है, जबकि आश्रय लेने वाले जो जीव होते हैं इनको परजीवी कहा जाता है। आश्रय लेने वाले जीवों को परजीवी कहा जाता है। अब देखिए, परजीवी हैं ये भी पुनः दो प्रकार के होते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अंतः परजीवी और दूसरे होते हैं बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी, देखिए अंतः परजीवी वे प्राणी होते हैं या वे जीव होते हैं जो परपोषी के शरीर के अंदर निवास करते हैं तथा परपोषी के आंतरिक अंगों से पोषण प्राप्त करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जो परजीवी होते हैं उन्हें अंतः परजीवी कहा जाता है। ठीक है, वे परजीवी जो परपोषी के शरीर के अंदर रहते हैं तथा उनके आंतरिक अंगों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अंतः परजीवी कहा जाता है। सेकंड है बाह्य परजीवी, वे परजीवी जो परपोषी की बाह्य सतह से पोषण प्राप्त करते हैं उन परजीवियों को बाह्य परजीवी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था परजीविता, यानी एक जाति के जीव जो दूसरी जाति के जीवों पर भोजन और आश्रय के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें ही परजीविता कहा जाता है। तो परजीविता है, इसके अंदर एक तो प्राणी है जो आश्रय लेने वाला होता है और एक आश्रय देने वाला। आश्रय देने वाला प्राणी परपोषी, जबकि आश्रय लेने वाला प्राणी है वो परजीवी कहलाता है। परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। वे परजीवी जो परपोषी के शरीर के अंदर निवास करते हैं तथा आंतरिक अंगों से पोषण प्राप्त करते हैं वो अंतः परजीवी कहलाते हैं, क्योंकि वे परजीवी जो परपोषी की बाह्य सतह से पोषण प्राप्त करते हैं वो बाह्य परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो, परजीवियों में अनुकूलन, परजीवियों के अंदर किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। देखो, अनुकूलन होता क्या है, जीवों के शरीर के अंदर
होने वाले संरचनात्मक व क्रियात्मक परिवर्तन जो उसके आवास के अंदर रहने योग्य बनाता है वो ही क्या कहलाएंगे, वही अनुकूलन कहलाते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन जो उसके शरीर में होते हैं, जो जीव को उसी उसके आवास में रहने योग्य बनाते हैं, उसे ही अनुकूलन कहा जाता है। अब परजीवी है, रहते कहां पर है, परपोषियों के ऊपर रहते हैं, परपोषी के शरीर के अंदर या परपोषी के शरीर के बाहर रहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कौन कौन से अनुकूलन होते हैं जो इनको परपोषियों पर रहने के लिए सफल बनाते हैं, जिसमें नंबर एक देखो, परजीवी है इनके जो आहार नाल है, परजीवियों की आहार नाल या तो अनुपस्थित होती है या अल्प विकसित होती है, ठीक है। सेकंड, परजीवियों में जनन तंत्र है वो पूर्ण विकसित होता है, जनन तंत्र इनके अंदर पाया जाता है, जिससे इनके अंदर अत्यधिक मात्रा में या अत्यधिक संतान उत्पत्ति की क्षमता इनके अंदर देखने को मिलती है। नंबर 3, परजीवियों में गमन अंगों का अभाव होता है। वैसे जो अंतः परजीवी होते हैं उन अंतः परजीवियों में तो गमन अंग अनुपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ बाह्य परजीवी होते हैं उनके अंदर गमन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो परजीवी है इन परजीवियों में गमन अंगों का अभाव होता है। नंबर 4, परजीवियों के अंदर अपने परपोषी से चिपकने व लटकने के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं और उन अंगों को आसंजक अंग कहा जाता है, जैसे कि हुक व चूसक। ये विशेष प्रकार के अंग होते हैं, इन हुक और चूसक की सहायता से जो परजीवी है वो परपोषी से चिपकते हैं और इन्हीं अंगों को आसंजक अंग बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, नंबर 5, परजीवी है वो कभी भी अपने परपोषी को नष्ट नहीं करता है। परजीवी अपने परपोषी को नष्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर परजीवी अपने परपोषी को नष्ट कर देगा तो परजीवी तो स्वयं परपोषी के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो भी नष्ट हो जाएगा। तो परजीवी अगर परपोषी को नष्ट करता है तो उसके ऊपर यानी परजीवी डिपेंड करता है, इसी कारण वो परपोषी नष्ट होते ही स्वयं भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस कारण ही परपोषी को जो परजीवी है कभी भी नष्ट नहीं करता है। नंबर 6, परपोषी विशिष्टता। देखिए परपोषी विशिष्टता क्या होती है, परजीवी है वो रहते कहां पर है, परपोषियों के ऊपर, ठीक है। लेकिन परजीवियों की एक विशेषता होती है कि वो एक अपने निश्चित परजीवी है वो अपने एक निश्चित परपोषी पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो परजीवी है वो एक निश्चित जाति के ही परपोषी के ऊपर पाए जाते हैं, जिसे अपन परपोषी विशिष्टता कहा जाता है, इसे ही अपन परपोषी विशिष्टता कहा जाता है। जैसे बात करें अगर कोई परजीवी अपना संपूर्ण जीवन चक्र है केवल एक परपोषी पर व्यतीत करता है, तो इस प्रकार के परजीवी को एक परपोषी विशिष्ट परजीवी कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई परजीवी केवल एक परपोषी पर ही अपना जीवन संपूर्ण जीवन चक्र व्यतीत करता है या पूरा करता है, तो इस प्रकार के परजीवी को एक परपोषी विशिष्ट परजीवी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड देखो, कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो अपना जीवन चक्र दो परपोषियों पर जो अपना
जीवन चक्र दो परपोषियों पर पूर्ण करते हैं, ऐसे परजीवियों को द्विपरपोषी परजीवी कहा जाता है। द्विपरपोषी परजीवी कहा जाता है, ठीक है। जबकि कुछ परपोषी ऐसे भी होते हैं जो अपना जीवन चक्र है वो दो से अधिक परपोषी, सॉरी कुछ परजीवी ऐसे भी होते हैं जो अपना जीवन चक्र दो से अधिक परपोषियों पर पूर्ण करते हैं, ऐसे परजीवियों को बहुपरपोषी विशिष्ट परजीवी कहा जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, परपोषी विशेषता क्या होती है? परजीवी है वो अपने निश्चित परपोषी के ऊपर अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, इसे ही परपोषी विशेषता कहते हैं। कुछ परजीवी है केवल एक परपोषी पर अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, उसे एक परपोषी विशिष्ट परजीवी कहा जाता है। जबकि कुछ परजीवी दो परपोषियों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, उन्हें द्विपरपोषी परजीवी विशिष्ट कहा जाता है। जबकि कुछ परजीवी हैं वो दो से अधिक परपोषियों पर अपना जीवन चक्र व्यतीत करते हैं, उन्हें बहुपरपोषी विशिष्ट परजीवी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 7, परजीवी संचरण। देखिए परजीवी संचरण क्या होता है? जो परजीवी है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कैसे होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका संचरण कैसे होता है? आहार नाल के अंदर जो पाए जाने वाले परजीवी होते हैं, आहार नाल में पाए जाने वाले जो परजीवी होते हैं इनका संचरण जल वायु व भोजन के द्वारा होता है। यानी वे परजीवी जो आहार नाल में पाए जाते हैं वो जल व वायु व भोजन के द्वारा दूसरी जगह एक परपोषी से दूसरे परपोषी के अंदर स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ परजीवी ऐसे होते हैं, इन कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो दो परपोषी के मिलन से संचरित होते हैं या स्थानांतरित होते हैं। कुछ जो आरनाल के अंदर परजीवी पाए जाने वाले परजीवी वो जल वायु व भोजन के द्वारा संचरित होते हैं, जबकि कुछ परजीवी दो परपोषी के मिलन के द्वारा भी संचरित हो जाते हैं। जबकि अधिकांश जो परजीवी होते हैं वो वाहकों द्वारा एक स्थान या एक परपोषी से दूसरे परपोषी के अंदर संचरित होते हैं। अधिकांश परपोषी वाहकों द्वारा, जैसे कि मक्खी, मच्छर, खटमल व पिसू। मक्खी, मच्छर, खटमल व पिसू हैं, ये वाहक का काम करते हैं जो परजीवियों को एक परपोषी से दूसरे परपोषी में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रोटोजोआ के अंदर परजीवी का, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व है ये समाप्त हो गया। और सेकंड आता है हेलमिंथीज, ये बी लिख लो इसको, हेलमिंथीज का, हेलमिंथीज का आर्थिक महत्व, हेलमिंथीज का आर्थिक महत्व। देखिए एसके हेलमिंथीज जिसे गोलकर्मी भी कहते हैं, ठीक है, और प्लेटी हेलमिंथीज
मिन्थीज, प्लेटी हेलमिन्थीज को फीता कृमि भी कहा जाता है। ठीक है, संघ एसके हेलमिन्थीज व संघ प्लेटी हेलमिन्थीज एंड फीता कृमि, इनके अंदर आने वाले जो प्राणी होते हैं इन प्राणियों को हेलमिन्थीज के अंतर्गत रखा गया है। एसके हेलमिन्थीज और प्लेटी हेलमिन्थीज संघ के प्राणियों को हेलमिन्थीज के अंतर्गत रखा गया है। अब जो हेलमिन्थीज के जो प्राणी है, हेलमिन्थीज के जो प्राणी है ये मनुष्य व अनेक जीवों के अंदर, मनुष्य व अनेक जीवों के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, एसके हेलमिन्थीज और प्लेटी हेलमिन्थीज इनको रखा गया है। हेलमिन्थीज और हेलमिन्थीज के अंदर आने वाले, हेलमिन्थीज के अंतर्गत आने वाले जो प्राणी हैं वो मनुष्य तथा अन्य जीवों के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। हेलमिन्थीज को रोग उत्पन्न करने के आधार पर, हेलमिन्थीज को रोग उत्पन्न करने के आधार पर तीन श्रेणियों में या तीन भागों में विभाजित किया गया है। जो हेलमिन्थीज है इस हेलमिन्थीज को रोग उत्पन्न करने के आधार पर तीन भागों के अंदर विभाजित किया गया है। ठीक है, नंबर एक निमेटोडिएसिस, सेकंड है निमेटोडिएसिस, सेकंड है ट्राईमेटोडिएसिस, जबकि नंबर तीन है सिस्टोडिएसिस। देखो हेलमिन्थीज है उसको रोग उत्पन्न करने के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है निमेटोडिएसिस, सेकंड है ट्राईमेटोडिएसिस, जबकि थर्ड है सिस्टोडिएसिस। अब पहला जो भाग है निमेटोडिएसिस, निमेटोडिएसिस के अंदर वर्ग निमेटोड, वर्ग निमेटोड द्वारा उत्पन्न रोग, वर्ग निमेटोड द्वारा उत्पन्न रोग को, या ऐसे कह सकते हैं वर्ग निमेटोड द्वारा, वर्ग निमेटोड में आने वाले जो प्राणी जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको निमेटोडिएसिस के अंदर रखा गया है। ट्राईमेटोडिएसिस है इसके अंदर ट्राईमेटोड द्वारा उत्पन्न रोग, या फिर ऐसे कहेंगे कि वर्ग ट्राईमेटोड के अंतर्गत आने वाले वे परजीवी जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें ट्राईमेटोडिएसिस के अंतर्गत रखा गया है, जबकि सिस्टोडिएसिस के अंदर फीता कृमि द्वारा उत्पन्न रोग, इन फीता कृमियों के द्वारा उत्पन्न रोग होते हैं उनको सिस्टोडिएसिस के अंतर्गत रखा गया है। इन हेलमिन्थीज है इस हेलमिन्थीज को रोग उत्पन्न करने के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया, निमेटोडिएसिस के अंदर वर्ग निमेटोड द्वारा उत्पन्न रोगों को रखा गया है, ट्राईमेटोडिएसिस है इसको ट्राईमेटोड द्वारा उत्पन्न रोगों को रखा गया है, जबकि सिस्टोडिएसिस है इसको अंदर फीता कृमि द्वारा उत्पन्न रोगों को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये तो हो गया हेलमिन्थीज का रोग उत्पन्न करने के आधार पर तीन भागों में वर्गीकरण। अब नेक्स्ट देखो, जो हेलमिन्थीज के अंतर्गत आने वाले जो प्राणी हैं ये मनुष्य के अंदर परजीवी के रूप में ही पाए जाते हैं तथा मनुष्य व
मनुष्य व अन्य प्राणियों में, अन्य प्राणियों में इनके द्वारा रोग उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, अब इनके बात करें आर्थिक महत्व की, तो इनका जो आर्थिक महत्व है, जैसे ज्यादा तो महत्व है दो प्रकार का होता है, एक तो हानिकारक महत्व और लाभदायक महत्व। लाभदायक महत्व इनके ज्यादा होते नहीं है, इनके ज्यादा हानिकारक महत्व ही होते हैं, क्योंकि इनके इनके अंतर्गत जो आने वाले जो प्राणी होते हैं, गोलकर्मी या फीताकर्मी होते हैं, वो ज्यादातर मनुष्य व अन्य प्राणियों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन हानिकारक महत्व। हेलमेंथीज के हानिकारक महत्व, हानिकारक महत्व देखें, हानिकारक महत्व क्या है, इनके प्राणियों के द्वारा या मनुष्य अन्य प्राणियों के द्वारा इनके द्वारा इन सॉरी हेलमेंथीज के प्राणियों के द्वारा मनुष्य व अन्य प्राणियों में केवल इनके द्वारा रोग उत्पन्न ही किया जाता है। ठीक है, तो पहला देखो पोली स्टोमा, पोलीस्टोमा है, ये एक हेलमेंथीज के अंतर्गत आने वाला प्राणी होता है, तथा पोलीस्टोमा के द्वारा भेड़, बकरी, ऊंट व सुअर, ठीक है, पोलीस्टोमा है, इसके द्वारा भेड़, बकरी, ऊंट व सुअर में रोग उत्पन्न किए जाते हैं, तथा ये भेड़, बकरी, ऊंट व सुअर के अंदर ही परजीवी के रूप में रहता है। ठीक, सेकंड देखो फैसिओला, हिपेटिका, हिपेटिका, फैसिओला, हिपेटिका, जो सूत्रकर फैसिओला हिपेटिका है, ये इसको लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक या प्रणकर्मी, प्रणकर्मी के नाम से भी जानते हैं। फैसिओला हिपेटिका को लीवर फ्लूक या प्रणकर्मी भी कहा जाता है। जो फैसिओला है ये भेड़ के अंदर, भेड़ में परजीवी के रूप में पाया जाता है, तथा भेड़ के यकृत में, भेड़ में ये परजीवी के रूप में पाया जाता है, तथा भेड़ के यकृत में विलगन की क्रिया, भेड़ के यकृत में विलगन की क्रिया करता है, जिसके कारण, भेड़ के यकृत में विलगन की क्रिया करता है, जिसके कारण भेड़ में प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क घात, प्रमस्तिष्क घात या रक्त रक्तालपता, प्रमस्तिष्क घात या रक्तालपता हो जाता है। ठीक है, तो फैसिओला है भेड़ के अंदर परजीवी के रूप में पाया जाता है, जिसके कारण भेड़ का जो यकृत है उसमें विलगन की क्रिया होती है, जिससे भेड़ में के भेड़ में प्रमस्तिष्क घात व रक्तालुपता हो जाता है। इस स्थिति में प्रमस्तिष्क घात व रक्तालुपता की स्थिति में भेड़ की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, जो फैसिओला हिपेटिका है ये अपना जीवन चक्र दो परपोषियों के अंदर पूर्ण करता है। फैसिओला हिपेटिका है ये अपना जीवन चक्र दो परपोषियों के अंदर पूर्ण करता है। इसका जो प्रथम परपोषी होता है, फैसिओला हिपेटिका का प्रथम परपोषी भेड़ होती है, जबकि द्वितीय परपोषी, जबकि द्वितीय परपोषी लिग्निया जाति, लिग्निया जाति के घोंगे, होते हैं।
फैसिओला हिपेटिका है, ये अपना जीवन चक्र दो परपोषियों के अंदर पूर्ण करता है। प्रथम परपोषी भेड़ जबकि द्वितीय परपोषी लिग्निया जाति के घोंगे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट था पॉलीस्टोमा, सेकंड फैसिओला हिपेटिका, थर्ड देखो ड्रेगन कूलस, मेडी नेंसिस, ड्रेगन कूलस मेडी नेंसिस, ड्रेगन कूलस मेडी नेंसिस जो पर मेडी नेंसिस है ये मनुष्य में परजीवी के रूप में पाया जाता है और इसके द्वारा ड्रेगन कूलस मेडिनेंसिस के द्वारा मनुष्य के अंदर नारल व बाला रोग उत्पन्न करता है। ड्रेगन कूलस मेडिनेंसिस है ये मनुष्य के अंदर परजीवी के रूप में पाया जाता है तथा मनुष्य में यह परजीवी नारल व बाला रोग उत्पन्न करता है। देखिए जो ड्रेगन कूलस मेडिनेंसिस है इसका भी एक मध्य परपोषी होता है, ड्रेगन कूलस मेडिनेंसिस जो है इसका मध्य परपोषी संघ मोलस्का का साइक्लोप्स ड्रेगन कूलस मेडिनेंसिस का मध्य परपोषी होता है। देखिए ड्रेगन कूलस मेडिनेंसिस मनुष्य में परजीवी के रूप में पाया जाता है तथा मनुष्य के अंदर नारंग में बाला रोग उत्पन्न करता है। इसका मध्य परपोषी संघ मोलस्का का साइक्लोप्स प्राणी या साइक्लोप्स जंतु होता है। ठीक है, अब जो साइक्लोप्स है ये साइक्लोप्स इसके अंडे को यानी ड्रेगन कूलस मेडिनेंसिस के अंडे को भोजन के साथ ग्रहण कर लेता है और साइक्लोप्स है ये पाया जाता है पानी के अंदर। जब कोई व्यक्ति इस साइक्लोप्स युक्त पानी को ग्रहण करता है या पीता है तो साइक्लोप्स के साथ ड्रेगन कूलस मेडिनेंसिस के अंडे भी मनुष्य की आहार नाल में चले जाते हैं। आहार नाल में उपस्थित जो पाचक एंजाइम है वो साइक्लोप्स जंतु या साइक्लोप्स प्राणी का तो पाचन कर देते हैं जबकि अंडों का पाचन नहीं हो पाता है जिससे ये अंडे आंत्र के अंदर ही रह जाते हैं। तो जिससे ये अंडे आंत्र के अंदर रह जाते हैं और वहां पर उपस्थित होकर के मनुष्य में नारन व बाला रोग उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए, अब जो इस रोग की स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य की बाह्य सतह के ऊपर फोड़े हो जाते हैं, मनुष्य की बाह्य सतह पर फोड़े हो जाते हैं और ये फोड़े के इन फोड़ों के द्वारा जब ये स्फुटित होते हैं या फूटते हैं तो इनके यानी ड्रैगन कूलस मेडिनेंसिस के जो लार्वा हैं ये शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था तीसरा अपना ड्रैगन कूलस मेडिनेंसिस। नंबर चार, बूचेरिया ब्रैनकोप्टाई। बूचेरिया ब्रैनकोप्टाई जो हेलमिंथिस है ये मनुष्य के अंदर ही परजीवी के रूप में पाया जाता है, मनुष्य में परजीवी के रूप में पाया जाता है और ये हेलमिंथिस मनुष्य की लसीका ग्रंथियों वह लसीका वाहिनियों को प्रभावित करता है। बहुत सारी ब्रैनकोप्टाई है
ये मनुष्य के अंदर परजीवी के रूप में पाया जाता है तथा लसीका ग्रंथियों और लसीका वाहिनियों को प्रभावित करता है, जिसके कारण जो लसीका ग्रंथियां और लसीका वाहिनियां हैं ये फूल जाती हैं और इनके फूलने से मनुष्य के शरीर के कई भागों पर सूजन आ जाता है। ठीक है, देखो वैसे तो ज्यादातर लसीका ग्रंथि और लसीका वाहिनियां खुलती हैं, साथ ही जो वाउचेरिया ब्रैंकियोक्टाई है इसका जो ज्यादातर प्रभाव है वो हाथ पैर वृषण के ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा होता है, जिससे हाथ पैर और वृषण फूल करके मोटे हो जाते हैं। जबकि कई स्थितियों के अंदर जो पैर है वो फूल करके इतना मोटा होता है हाथी के पाव के समान हो जाता है। इसके संक्रमण में जो पैर है वाउचेरिया ब्रैंकियोक्टाई के संक्रमण से पैर फूल करके हाथी के समान मोटे मोटा हो जाता है, इसलिए इस रोग को फाइलेरियासिस ये सिस या फील पाव या हाथी पाव, इसलिए इस रोग को फाइलेरियासिस फील पाव या हाथी पाव के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग की स्थिति के अंदर वाउचेरिया ब्रैंकियोक्टाई के संक्रमण से जो पैर है वो फूल करके हाथी के पाव के समान मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो तीसरा हो गया अपना ड्रैगन फूलस मैंटन, सॉरी चौथा था वाउचेरिया ब्रैंकियोक्टाई। ठीक है, नंबर पांच टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम है ये मनुष्य की आंत्र में परजीवी के रूप में पाया जाता है।